करते हैं, डिसीजन हम लेते हैं, राइट, डिसीजन रिगार्डिंग हाउ टू यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज, राइट, कैसे हमको अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, यही डिसीजन मेकिंग में डिसीजन लेते हैं ना। अब इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट जब करेंगे, जब हम डिसीजन लेते हैं तो ऑन पेपर लेते हैं या इन माइंड लेते हैं, मेंटल एक डिसीजन लेते हैं या कहीं पर लिख के लेते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा ना, जो उसको फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का जो टाइम आएगा उसमें सबसे पहला आपका क्या होगा, प्लानिंग, ठीक है, कि किस तरीके से हम काम करेंगे, किस तरीके से इस काम को एग्जीक्यूट करेंगे या लिए हुए डिसीजन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकल रूप में, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, देन ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है यही बताना है मुझे। प्लानिंग मतलब एडवांस में सोचना कि क्या करना है, कौन करेगा, क्यों करेगा, कहाँ करेगा और कैसे करेगा, यानी who, what, when, how, where, everything will be answered in the first step of any process, राइट right? तो प्लानिंग समझ में आ गया, एडवांस में इन सारे सवालों का जवाब ही प्लानिंग में हम देते हैं, क्यों करेंगे, राइट डाउन द आंसर, ठीक है ना, कौन करेगा, राइट डाउन द आंसर, या कौन कौन करेगा मे बी, ठीक है ना, कहाँ पे होना है ये काम, कितना पैसा लगेगा और कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे हम इसको करने के लिए, राइट right? ये आपका प्लानिंग इस सारे सवाल का जवाब देगा। अब आपके पास एक और एक स्टेप, आप आगे बढ़े डिसीजन मेकिंग के बाद, प्लानिंग किया आपने, आप एक स्टेप आगे गए, अब ऑर्गेनाइज करिए। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, सिंपल ऑर्गेनाइजिंग मीन्स होता है कि कोई भी काम, ठीक है, किसी ने घर में बोल दिया कि मुझे लैपटॉप खरीदना है, राइट right? लैपटॉप खरीदना है, एक प्लान हुआ, राइट right. लेकिन आपको बहुत सारे आंसर देना पड़ेगा, कौन सा लैपटॉप खरीदना है, क्यों खरीदना है। ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब होता है कि कोई भी जब आप काम करते हैं तो एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क को सिंपल टास्क में पहले बांटिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एकदम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सब्जी बनाना है तो फर्स्ट वेजिटेबल, ठीक है ना, आपने लिया, उसको धोया, काटा, सेग्रीगेट किया, उसके बाद तो आगे का काम। तो ऑर्गेनाइज कर, जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो क्या करते हैं, अरेंज करते हैं पहले चीजों को, ठीक है ना। तो आप किसी भी आप कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लो, कोई भी एग्जांपल लो, कुछ करने का एग्जांपल है, मान लो आपको जर्नी करना है, ट्रैवल करना है, तो आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। इसका मतलब कपड़े तय करोगे, सबसे पहले तो टिकट बुक कराओगे, राइट। टिकट कंफर्म होने के बाद अपना जो भी आपका डेट है ट्रैवल करने का, उसका टाइम देखोगे, उस टाइम से पहले क्या करोगे, तो उस जर्नी का जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको आप ठीक करोगे, जैसे कि टिकट रखोगे, अपना आईडी प्रूफ रखोगे, अपना सामान ठीक करोगे, खाने के लिए कुछ रखना है नहीं रखना है ये तुम डिसाइड करोगे, कोरोना के टाइम में तो रखना ही रखना है क्योंकि बाहर से कुछ खाना नहीं है। अभी कितने भी बड़े ट्रेन से या फ्लाइट से सफर करो, चादर जो भी तुम्हारा पर्सनल यूज का चीज है वो तुम्हारा होना चाहिए, तो आपको वो भी एक रखना पड़ेगा। यू ऑर्गेनाइज द एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रैवलिंग, सिर्फ ट्रैवल करने से या जर्नी करने से नहीं होता है, तो एक ओवरऑल जर्नी को आपने क्या किया, सिंपल टास्क में डिवाइड किया, फिर एक एक करके काम किया ना। तो ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है कि किसी एक बड़े टास्क को या कॉम्प्लिकेटेड टास्क को सिंपल टास्क में ब्रेक डाउन करना, राइट, छोटे छोटे कामों में बांटना और फिर हम उसको एलोकेट करेंगे ग्रुप मेंबर्स के बीच में, दैट मींस ऑर्गेनाइजिंग। वेडिंग इवेंट, ठीक है, वेडिंग इवेंट में भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना, सिर्फ सीधा शादी से क्या होता है, समझ में नहीं आता। अब आपको कोई बोले कि नहीं तुमको कैटरिंग देखना है, ठीक है, एक तो कम से कम पता चला कि क्या देखना है। किसी को डेकोरेशन देखना है तो उसको एक तो एटलीस्ट पता चला कि हमको क्या करना है डेकोरेशन। अब डेकोरेशन में फ्लावर करना है या हायर करना है या खुद से करना है वो सब फिर अलग है, तो एटलीस्ट आपने उसको क्या क्या डिवाइड कर दिया, कैटरिंग में, डेकोरेशन में, उसके बाद शॉपिंग में, फूडिंग हो गया कैटरिंग के अंदर ही आ गया, ठीक है ना, शॉपिंग में या फिर वेलकम ऑफ द गेस्ट में, राइट, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में, आपने काम को क्या किया, ब्रेक डाउन किया। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया, अच्छा इतना काम करना, तो सबको एक एक काम पर लगाओ, राइट। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स यही होता है, स्टाफिंग चलेंगे इसके आगे। ऑर्गेनाइज मीन्स क्या हुआ, एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क को बहुत, एक टास्क के अंदर बहुत सारा टास्क छिपा हुआ होता है, राइट, तो उसको ब्रेक डाउन करना, उस सिंपल फॉर्म में उसको बांटना और फिर काम करवाना। यहां तक समझ में आया। अब आया स्टाफिंग।
अब जब हम काम असाइन करेंगे उस समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। स्टाफिंग मतलब होता है कि जब भी आप काम किसी को असाइन कर रहे हैं तो आपको क्या काम करवाना है और उसके पास क्या काम करने का क्षमता है, ठीक है ना, कौन सा स्किल सेट उसके पास है, कौन सा टैलेंट उसके पास है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या कितना उसको ये काम करने का पुराना प्रायर एक्सपीरियंस है, इसको आपको देखना पड़ेगा तभी आप उसको उस काम पे एलोकेट कर सकेंगे, ठीक है ना। कोई लाइजनिंग में अच्छा, लाइजनिंग मतलब बड़े बड़े लोगों से बातचीत करके उनको कन्विंस करने में, तो जो लाइजनिंग में अच्छा उसको लाइजनिंग के लिए रखो। कोई मार्केटिंग में अच्छा हो सकता है, कोई बैठ करके आपका अकाउंट क्लियर कर सकता है, ठीक है, एक सेकेंड, कोई अकाउंट्स में अच्छा है तो आप उसको अकाउंट्स का ध्यान रखिए। तो समझ में आ रहा है कि जो जिस काम में करने में सक्षम है, जिसके पास जिस काम को खत्म करने का स्किल है, ऑलरेडी उसके पास है, आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। किसी को भी हायर कर लिया, बोलेगा वो मुझे नहीं आता ये काम, चलो सिखा देंगे। अब ये ट्रेनिंग देना पड़ेगा आपको। ट्रेनिंग में जो दो दिन चार दिन एक हफ्ता या एक महीना खर्चा हो रहा है उसका भी आप पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर से पेमेंट ही नहीं दे रहे। एक आदमी जो दूसरा काम करता है उसको भी आप लगा रखे इसको सिखाने में, तो दो दो वर्क मैन, दो दो मैन पावर आपका एक ही काम में लगा हुआ है, राइट, तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो अगर संभव हो और आपके पास अवेलेबल है सेम स्किल सेट के लोग तो आप उन्हीं को चुनिए ना, ताकि आपका अलग अलग मैन पावर अलग अलग टाइम में अलग अलग काम को करे, क्यों वेस्ट करना टाइम को और रिसोर्सेस को। समझ में आया? तो स्टाफिंग मतलब जिसके पास जो जिस चीज को काम करने में वो इफिशियंट हो उसको उस काम पे एलोकेट करना, ठीक है, ये होता है प्रॉपर स्टाफिंग, राइट। और भी स्टाफिंग के बहुत के अंदर बहुत कुछ आएगा अगर आपके सिलेबस में स्टाफिंग होगा। आई डोंट थिंक सो कि है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग आपके सिलेबस में है शायद, डिटेल में पढ़ना, शायद स्टाफिंग नहीं है सिलेबस में। स्टाफिंग तो मैं अभी बता रही हूँ तुमको, इतना तो है ही। इसके बाद चैप्टर होगा तुम्हारे सिलेबस में, चैप्टर में डिटेल में क्या है वो देख लेना, तुम देख लेना सिलेबस में। सिर्फ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग होगा, मैंने पहले ही बता दिया, उसका डिसीजन मेकिंग होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ये सब होगा, राइट। तो कोई बात नहीं, खैर आपको मैं बता दूं कि स्टाफिंग का मतलब होता है, स्टाफिंग का मतलब अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि टू असाइन द ड्यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल सेट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन स्टाफिंग में मैन पावर प्लानिंग भी होता है, ट्रेनिंग भी होता है, मोटिवेशन भी होता है, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, राइट। लेकिन आपको चूंकि इतना डिटेल में नहीं पढ़ना तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि स्टाफिंग का क्या मतलब, ट्रेनिंग भी स्टाफिंग का पार्ट है, ठीक है ना। जिसको तुमने चुन के लिया है कि इसके पास भाई फिनेंस इसको आता है, जीएसटी का सब इसको मालूम है, ये हमारा टैक्स जमा कर सकता है, इसको हम रखते हैं फिनेंस डिपार्टमेंट में, हो सकता है कल को सरकार कोई टैक्सेशन प्रोविजन चेंज कर दे, ठीक है ना, कोई अलग तरीके से काम करना पड़े। पहले मैनुअल होता था ये सब, अब ये सब कैसे होता है, अब ये सब ऑनलाइन होता है, तो उसको ऑनलाइन आना चाहिए, और कल को कोई दूसरे रूप में ये जमा होने लगे, तो विथ चेंजिंग टेक्नोलॉजी और विथ चेंजिंग टाइम आपका जो एक स्किल्ड एम्प्लॉय है उसके स्किल को इम्प्रूव और इन्हांस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ये ट्रेनिंग भी स्टाफिंग का हिस्सा हुआ कि नहीं, अदरवाइज तुमने लिया तो है मार्केट से स्किल्ड एम्प्लॉय को, लेकिन अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कराते कराते उसको अनस्किल्ड बना दिया, क्योंकि उसको आपने ट्रेनिंग नहीं दिया तो वो फर्दर सीख नहीं पाया कि आगे कैसे होगा, राइट। तो ट्रेनिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ये भी स्टाफिंग का ही पार्ट है। आपको इतना नहीं पढ़ना, पर आप समझ लीजिए कि ह्यूमन मैन पावर को एलोकेट करने से लेकर उनको डेवलप करने, उनको मोटिवेट करने, उनको रेम्यूनरेट करने, मतलब रेम्यूनरेट का मतलब सैलरी देना, रेम्यूनरेशन, ठीक है ना, सारा चीज कहाँ आ जाएगा, स्टाफिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के अंदर तीन चीज आएगा, क्या क्या मैं बताती हूँ। इसी डायरेक्टिंग को कहीं कहीं स्प्लिट कर देते हैं डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग में, मैंने यहाँ सबको क्लब करके एक जगह डायरेक्टिंग लिख दिया, क्योंकि डायरेक्शन का मतलब ही होता है, डायरेक्शन जब दोगे तो कोऑर्डिनेट भी तो करोगे। कोऑर्डिनेट मतलब कहाँ तक काम पहुंचा, फीडबैक लेना, इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडलाइंस देना। तो डायरेक्टिंग में आपको तीन चीज करना पड़ेगा, कम्युनिकेट, ठीक है, हम कम्युनिकेट करेंगे कि हमको क्या करवाना है, कैसे करवाना है, कौन क्या करेगा, ठीक है, डायरेक्शन दिया आपने, किस तरह से करो, किस प्रोसेस से करो, कब करना है, कब खत्म करना है, सब कुछ डायरेक्शन में आता है। जैसे आपको डायरेक्शन दिया गया था कि परमानेंट मार्कर का यूज मत करना, राइट, दिया गया था ना, इतने घंटे में ये काम
खत्म करना है, क्योंकि इसके बाद कभी भी आ सकते हैं और वो चेक करेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। दिया गया था दीज आर गाइडलाइंस, दीज आर इंस्ट्रक्शंस। तो कम्युनिकेशन उसका बेसिक पार्ट हुआ, बिना कम्युनिकेशन के इंस्ट्रक्शंस हो सकता है मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कम्युनिकेशन ओरल हो या रिटन, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन कम्युनिकेशन तो है। तो आपको सबसे पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा, पहला पार्ट है डायरेक्शन का। दूसरा क्या है, लीडरशिप, ठीक है ना। लीडरशिप का मतलब कि आपको कैसे वो आपका टीम फॉलो करेगा। तो यू हैव टू सेट एग्जांपल्स। ओनली ये कह देना कि 10 बजे हमारा टाइम है एंड एवरीबॉडी हैज टू कम ऑन टाइम 10 o'clock, राइट, शार्प। सारा टीम 10 बजे आ गया, आप आ रहे हो 12 बजे, ठीक है। और ऐसा 2-3 दिन आपने किया, उसके बाद आप यही काम बोल करके देखो, एवरीबॉडी हैज टू कम शार्प ऑन 10 o'clock, नोबडी कम्स, कोई नहीं आएगा। क्यों? खुद तो 12 बजे आते हैं, इनको क्या पता 10 o'clock आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, और हम आ जाते हैं बैठे रहते हैं, ही नेवर केयर्स। लीडर्स आर दोज जो एग्जांपल सेट करें, लीडर्स आर दोज जो आपको बताए कि नॉर्मली लीडरशिप का अगर हम आपको बताएं तो लीडर्स क्या होते हैं, एक तो उनको एग्जाम्पल सेटर होना चाहिए, यानी करके दिखाने वाला कि देखो इस तरीके से काम होता है, तब मैं लीडर बनाऊं, यानी तब मैं आप सबको लीड कर पा रहा हूं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा जो सारा फेल्योर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले और सारे सक्सेस का जो क्रेडिट है वो पूरे टीम को बांटे। लीडर की ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो एक मैनेजर को जो डायरेक्ट करता है, जो डायरेक्शन देता है, उसको ऑन टू होना पड़ता है, ठीक है ना। उसको हमेशा तत्पर होना पड़ता है ताकि वो अपने फॉलोअर्स को अपने काम से मोटिवेट कर सके, ठीक है, ताकि तुम वैसा ही करो, इसी से तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। समझ में आया? तो लीडरशिप इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग, अदरवाइज नोबडी इज गोइंग टू हियर यू फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। शुरू में तो मान भी लेंगे, केजरीवाल को सब पहले सुनते थे, फिर ठीक है ना, फिर धीरे धीरे सारे लोग फिर धीरे धीरे सारे लोग छोड़ के जाने लगे। पहले विश्वास गए, फिर कोई और गया, फिर कोई और गया, एवरीबडी लेफ्ट हिम। व्हाई? क्योंकि धीरे धीरे उसका होल्ड, वो बहुत सेल्फ, मतलब मैं अभी उसको पर्टिकुलर नहीं बोल रही हूँ, मैं बस आपको लीडरशिप का एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे जैसे आप सेल्फ सेंटर्ड होते जाएंगे, अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे, वैसे वैसे आपका जो होल्ड होगा आपके टीम पे कमजोर होने लगेगा। जब आप पूरे टीम को लेकर चलोगे तो होल्ड मजबूत रहेगा। तो लीडरशिप इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। अगर आप अच्छे लीडर हैं तो ही आपका टीम आपका बात सुनेगा, राइट। एंड देन फाइनली मोटिवेशन, कभी कभी उसमें भी मान लो फेल हो गए। दिस टाइम मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, किसका, एपीजे अब्दुल कलाम का, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम के उस समय जो बॉस थे, हमें याद आएगा, चलो ठीक है, मैं कभी बाद में सुना दूंगी, ठीक है ना, क्योंकि मुझे उसका नाम ही नहीं याद आएगा। क्या नाम था? इसरो के हेड थे उस समय कौन, जब एपीजे अब्दुल कलाम रोहिणी पर काम करे तब इसरो के हेड कौन थे, मैं यही नाम याद करना चाह रही हूँ। गूगल, अच्छा मैं गूगल करूँ, अच्छा ठीक है, कर लेती हूँ। अच्छा नहीं लगता ऐसे गूगल करना, ठीक है, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। देखती हूँ आता है कि नहीं, अरे बहुत बड़ा नाम था उनका, He is also a very famous personality. मुझे पता, अभी पता नहीं क्यों नाम नहीं याद आ रहा उनका। ठीक है चलो, ज्यादा टाइम इस पे नहीं देंगे अभी हम। मैम अभी वो है या? एक सेकंड छोड़ो, बाद में बता दूंगी मैं, अभी ढूंढना पड़ेगा, बहुत टाइम चला जाएगा उसमें। ठीक है, ठीक है, जो भी थे, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका। तो जब वो लोग कर रहे थे ना, तो क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम जब उन्होंने ये लॉन्च किया था रोहिणी सैटेलाइट को, तो वो
सही जगह पे नहीं जाकर के सेट हुआ था और वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के डूब गया था, राइट। तो उस समय भी पूरी एफिशिएंसी से, पूरी एनर्जी से, पूरा तत्परता से उस टीम ने उस पर काम किया था, बट दैट टाइम दैट पर्टिकुलर मिशन फेल्ड, ठीक है ना, पहली बार में फेल हो गया। एंड एपीजे अब्दुल कलाम को लगा कि बहुत ज्यादा हतप्रभ और निराशा हो गए, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगता है एक प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, और इतने सालों की मेहनत जब बर्बाद हो जाती है, एंड देन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रेडी, हर एक चीज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रेडी होता है, तो जो उनका जब वो विफल हो गए, देन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो उनके हेड ले, ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम उस प्रोजेक्ट के हेड थे, लेकिन उस समय जो इसरो के हेड थे उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया एंड बोला वी फेल्ड दिस टाइम, वी विल इंश्योर दैट वी विल सक्सीड नेक्स्ट टाइम। उन्होंने क्या बोला, नॉट एपीजे अब्दुल कलाम, द इसरो हेड took the press conference and he said that we failed this time. लोग बोलते हैं अरे आपने तो इतना पैसा बंगाल की खाड़ी में डुबा दिया, राइट। क्रिटिक्स होते हैं, कहते हैं ठीक है ना। सो उन्होंने कहा ठीक है इस बार हम फेल कर गए, लेकिन आई गिव यू इंश्योरेंस कि हम लोग नेक्स्ट टाइम सक्सेसफुल होंगे। जब नेक्स्ट टाइम इसी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए एपीजे अब्दुल कलाम का जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुली प्लेस हो गया, सैटेलाइट रोहिणी सैटेलाइट सही सही लॉन्च हो गया, उस समय सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया, टीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया, इसरो हेड को कॉन्ग्रेचुलेट किया। 2 साल बाद की बात है ये, ठीक है, सिर्फ ठीक 2 साल बाद उन्होंने ये काम किया था उस फेल्योर के बाद। एंड देन द सेम इसरो हेड टोल्ड अब्दुल कलाम कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ और प्रेस को संबोधित करो, एड्रेस करो। दैट मीन्स वॉट, कि अभी जो उस समय था फेल था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब ने ली, वी फेल्ड एज ए टीम, लेकिन जब सक्सेसफुल हुआ तो तुम जाकर के एड्रेस करो और तुम जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन तुम्हारा है। एंड इस तरीके से लीडर्स के अंदर जो लोग काम करते हैं वो उतने ही बड़े लोग होते हैं जो इतने बड़े लीडर्स के अंदर काम करते हैं। तो लीडरशिप का ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि ऐसे लीडर्स होते हैं तभी आपका जो टीम मेंबर होगा आपके लिए डेडिकेशन के साथ काम करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन देना में लीडरशिप इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन मोटिवेशन मतलब क्या होता है कि कभी कभी यू फील वेरी लो, ठीक है ना, काम नहीं करना, क्यों, क्योंकि फेल हो गए सर, इतना पैसा बर्बाद कर दिया। हो सकता है ये एक डिमोटिवेशन का बहुत बड़ा जरिया कि इतना सब कुछ हो गया, इतना ज्यादा क्रिटिक्स हो गए, जो अपोजिशन पार्टी है वो इतनी शिकायत कर रही है सरकार की, इतना पैसा बर्बाद दिया वगैरह वगैरह, राइट। इस तरीके के डीमोटिवेटेड टीम को वापस से मोटिवेट करना, और जो मोटिवेशन है ना उसको तुम समझ लो कि वो एवरीडे फ्यूअल है। आप में से कभी कोई किसी ने हॉस्टल लाइफ रहे हो बचपन में, ठीक है, जिनका भी हॉस्टल लाइफ रहा होगा उनको उनके पेरेंट्स ने, उनको उनके एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स ने लेटर्स लिखा कभी, वो लेटर कितना मोटिवेटिंग हुआ करता था, होता था या नहीं, वो लेटर जब मिलता है, देख उस जमाने में तो हुआ करता था, जिस जमाने की मैं बात कर रही हूँ, अभी मुझे नहीं पता क्योंकि आपके पास सिर्फ कॉलिंग, ओके, तो ठीक है, लेटर्स का मैं बात करूं, वो दोज लेटर्स लाइक मोटिवेशन, ठीक है ना, ये करो ये करो ये करो, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, और जब आपके जेब में जब तक रहता है वो लेटर, या 1-2 दिन तक या 3 दिन तक, यू फील मोटिवेटेड, हाँ ठीक है हम पढ़ेंगे, हम बिल्कुल बदमाशी नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे, हम ये करने आए, हम वो करने आए। जैसे ही 2-3 दिन के बाद वो लेटर गया बॉक्स में, बैग में, और धीरे धीरे आपका मोटिवेशन लो होने लगता है, होता है लो, धीरे धीरे होने लगता है। कितनी बार होता है, कितनी बार हमको लगता है किसी का मोटिवेशनल स्पीच सुन करके कि हाँ हम भी करेंगे ऐसा, और फिर जैसे जैसे वो अफेड होते जाता है, मोटिवेशन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड मोटिवेशन ऑल गोस राइट, सारा कुछ चला जाता। तो ये ऐसा है कि एक रूटीन काम है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सभी कभी हाई और कभी लो फील करते, तो वेन एवर अ टीम फील लो, उसके हेड का यानी लीडर के यानी कि मैनेजर का क्या काम होता है, वापस से उसमें फ्यूल डाल दो, ठीक है ना, वापस से उसको मोटिवेट कर दो, क्योंकि डीमोटिवेट होना नॉर्मल है, ठीक है ना, नीचे की तरफ आना नॉर्मल है। कैसे हम उनको फ्यूल अप करें, चार्ज अप करें कि फिर से वो काम करने के लिए तैयार हो जाए, तो मोटिवेशन, एंड देन मोटिवेशन के डिफरेंट टूल्स है, डिफरेंट टेक्निक्स है, मैनेजर्स के हाथ में है कि वो आपको कैसे मोटिवेट करता है, राइट। तो डायरेक्शन में मोटिवेशन का भी इम्पोर्टेंट रोल है, मोटिवेशन हम लोग पढ़ेंगे आगे, राइट।
अभी समझ में आया? एंड देन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग करने के बाद कंट्रोलिंग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब प्लान कर रहे हो तभी कंट्रोल रख रहे हो, जब ऑर्गेनाइज कर रहे हो, चीजों को बांट रहे हो तब भी कंट्रोल रख रहे हो, ठीक है ना। जब आप स्टाफिंग कर रहे हो तब भी कंट्रोलिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, और जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, गाइडलाइन दे रहे हो, यानी इन एवरी प्रोसेस यू हैव टू कीप कंट्रोल। सिमिलरली जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि जब घर से आप निकलते हैं बाइक लेके, तो सीधा डेस्टिनेशन पे पहुंच के नहीं क्लच लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं और रुकते हैं। थ्रू आउट योर वे यू कीप कंट्रोल ओवर योर बाइक, ओवर योर साइकिल और ओवर योर फोर व्हीलर जो भी है, रखते हैं ना। नहीं तो अचानक से क्या हो सकता है, कोई आएगा और कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी जो आप नहीं चाहते हैं वो हो जाएगा, राइट। कभी मैनेजमेंट में इतना सब कुछ मेहनत इसलिए तो नहीं करते हैं कि हम अपने एम से या गोल से डाइवर्ट हो जाए। तो चूंकि गोल से डाइवर्ट नहीं होना है, राइट, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, यहाँ क्या होगा आपका डेस्टिनेशन, जो आपका गोल है, राइट, जो आपका लक्ष्य है, वही है ना। मैनेजमेंट में जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपका डेस्टिनेशन है। अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हो तो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द जर्नी क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि जाना था जापान, पहुंच गए चीन, राइट, ऐसा नहीं करना है। जहां जाना है वहीं पहुंचना है, इसीलिए आपको अपने जर्नी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मीन्स ये कि ये इसलिए रखा गया कि प्रोसेस जो है ना, ये कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है ना। प्लानिंग ठीक है, प्लानिंग के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग करते हैं, लेकिन अगर तुम इसको ठीक से देखो तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एवरीथिंग गो साइड। कंट्रोलिंग क्या है कि हर एक स्टेप के साथ चलता है, कॉन्टिन्यूअस चलता है। इसको लास्ट में तुम्हें देखने में ये डायग्राम में लास्ट में लग रहा है, लेकिन मैं शुरू से बोल रही हूँ कि जैसे प्लानिंग पहला प्रोसेस है, प्लानिंग के साथ आपका कंट्रोलिंग शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली जैसे आपने प्लान किया है कि मेरे अपने लिए 3 शर्ट या 3 स्वेटर खरीदना या 4 स्वेटर खरीदना, राइट, तो जब आप दुकान पे जाते हो तो आप अपने बजट का ख्याल रखते हो, ठीक है ना। 4 स्वेटर खरीदना है तो आपको कितने कितने का खरीदना दिया, अगर 2 ही में तुम्हारा बजट खत्म हो जाता है तो तुम 2 ही खरीद लोगे। यू कीप कंट्रोल, ऐसा नहीं कि 2 अभी दे दीजिए और 2 उधार ले दीजिए, राइट, क्योंकि फिर 2 उधार का टेंशन हो जाएगा, कैसे चुकाएंगे कैसे चुकाएंगे, राइट। तो बेटर है कि आप या तो अपने बजट के हिसाब से खर्चा करिए, या कुछ महंगा खर्चा हो गया तो आप कंट्रोल कर लीजिए, किधर 4 की जगह 2 लेकर के, यू कीप यू कैन मेंटेन दैट कंट्रोल, यू कैन मेंटेन द बैलेंस, राइट। कंट्रोल ही तो है, तो प्लानिंग के साथ साथ चला ना, इट कम्स विद एवरी स्टेप, राइट, हर एक जगह ये इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि अगर सिर्फ लास्ट में हम कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा नुकसान होना रहेगा वो हो चुका रहेगा। अब हम लास्ट में करेंगे क्या, तो जितना नुकसान हो गया उसको जाने दो, जो बचा कुचा है उसी को बचा लो, राइट। तो ये तो सही एंगल नहीं है, इसीलिए कंट्रोलिंग को 2 पार्ट में डिवाइड भी किया गया। क्या क्या, एक बोलते हैं कि करेक्टिव मेजर, एक बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर। Wearing mask is a preventive measure for stopping the spread of coronavirus. ठीक है ना, ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है, समझ में आ रहा है। करेक्टिव कंट्रोल क्या, बीमार हो गए एम्स में एडमिट हो जाए, ऑक्सीजन लगवा लीजिए, राइट, वो करेक्टिव है। अब तो हो चुका है तो उसको भी जाने नहीं दिया जा सकता है, जितना बचा है उसको बचाने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो वो हम लोग करेक्टिव मेजर करते हैं लास्ट में, ठीक है। तो दैट इज नेवर एडवाइजेबल, वो कभी भी एडवाइजेबल नहीं होगा, ठीक है। अब कोई रास्ता नहीं है तो यू हैव टू डू दैट, ये अच्छी बात है, तभी भी कुछ बचाने के लिए कुछ तो बचा है, राइट। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर क्या बोलते हैं कि हम गलती ना होने दे, हम ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने ना दे, अर्ली समय में हमको पता चल जाए कि इतना डेविएशन हुआ, उसको उसी समय हम फिक्स कर ले, राइट, उसी समय हम फिक्स कर ले का मतलब उसी समय हम उसको सुधार ले, सही कर ले, ताकि अंत में जाकर के हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है ऑलमोस्ट वैसा ही रिजल्ट हमको मिले। समझ में आया, ये प्रोसेस ओवर, ठीक है, ठीक है। अब घड़ी मत देखो, दैट डाइवर्ट्स मी, ठीक है। कंट्रोलिंग का ये एक डायग्राम है, बता देती हूँ आपको इसका क्या है। सबसे पहले हम कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट करने की बात इसने नहीं कही है, लेकिन कभी भी आप कंट्रोल करोगे, कंट्रोल करने के लिए आपके पास कुछ एजेंडा रहना जरूरी है, ठीक है ना। हम इतना परसेंट मार्क्स लाएंगे, 80% मार्क्स लाएंगे, अगर 80% आपका ऑब्जेक्टिव है तभी आप कंट्रोल कर पाओगे अपने बिहेवियर को, अपने स्टडीज को, अपने टाइम को। कैसे, सपोज करो 80% आपका
या 90% या 70% जो भी आपको चुनना था, मुझे इस बार 70% लाना है फर्स्ट सेमेस्टर में, राइट? आपने टारगेट किया, अब आप क्या करें, मेजर द परफॉर्मेंस, ठीक है ना? अब आप अपना काम जो कर रहे, जितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड रख रहे हैं। नाउ कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद द प्लान, यानी अब आपका जो रिजल्ट आया है, ठीक है ना, अब आप अपने परफॉर्मेंस को अपने प्लान से, मैंने प्लान बनाया था 8 घंटे पढ़ने का, ठीक है ना, 80% लाना है या 70% लाना, तो मुझे दिन भर में 8 घंटा पढ़ना, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कितने घंटे, 2 घंटे पढ़ो, देखो ईमानदारी से बोला, तो कितना का डेविएशन आ गया, अब आपको क्या होगा, फाइंड आउट द डेविएशन, 6 आवर्स का डेविएशन आ गया, 6 आवर्स का डेविएशन आने पर क्या हुआ, आपके रिजल्ट भी डेविएट हो गया, 80% से कुछ तो कम आ गया, ठीक है ना, चलो 60% बोल रहा है तो 60% आ गया। नाउ अब इसको टेकिंग करेक्टिव मेजर, जब आप कंपेयर करेंगे डेविएशन को, यानी जो आपका एक्चुअल था और जो आपको, जो आपका डिजायर्ड था, डिजायर्ड क्या था, 80%, जो एक्चुअल आया वो 60%, तो जो ये 20% का डेविएशन है, नेक्स्ट टाइम इसको कम से कम करना चाहोगे? ये कम करने के लिए जो भी आपको करेक्टिव मेजर्स लेना पड़ेगा वो आप लेंगे, ठीक है ना, ताकि अगली बार ये डेविएशन कम आए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या सही करने से मेरा जो परफॉर्मेंस है या जो मेरा रिजल्ट है वो सही हो सकता है, ठीक है ना, ये डेविएशन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इसीलिए कंट्रोल प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड करना होता है कि करना क्या, तभी तो आपका डिजायर्ड मालूम रहेगा, तो आप डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 20 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन आपको लग गया 1/2 घंटा, यानी 10 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है ना, तो अगली बार से कुछ करेंगे कि 10 मिनट को हम कम कर सके। स्पीड चलाने की बात नहीं करें, कुछ भी करें, कोई जाम वाला रास्ता उसको अवॉइड करेंगे, किसी दूसरे रास्ते से जाएंगे, राइट? हमेशा स्पीड चलाएंगे प्यारा। नाउ चलो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ये नेक्स्ट है। फीचर्स का क्या मतलब होता है, यहां तक समझ में आया, प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं, फीचर का क्या मतलब होता है? एक मिनट, पल्लवी दुबे, कुमारी श्वेता एंड विवेक कुमार, किसी का भी ऑन नहीं है, अगर मैं सबको एब्सेंट कर दूं तो? मैम सब नहीं है, हम लोग हैं जिंदा। सुमन प्रकाश, आप क्लास कर रहे हैं, बैठ जाइए। सुमन घर में बैठ के पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि सो के भी पढ़ो, नहीं तो यहाँ भी बच्चे सो जाएंगे। ओके, नहीं बैठ गया, ऑफ नहीं कर लिया ना, चलो ठीक है। कॉन्टिन्यूस, अच्छा फीचर्स का मतलब मैंने पूछा, कोई भी बताओ फीचर्स का क्या मतलब हुआ? फीचर्स का मतलब क्या, खूबियां, वेरी गुड, विशेषता, चलो ठीक है, सही है। इधर सीधा बैठो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हुआ, फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उसने बताया विशेषता या खूबियां या स्पेसिफिकेशन, यानी कि जिससे किसी चीज को आइडेंटिफाई किया जा सके। आप सबके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका कोई फीचर्स होगा, होता है किसी का शांत रहने का होता है, किसी का बहुत बोलने का होता है, बस क्लास, किसी का बहुत ज्यादा बोलने का होता है, कोई बहुत स्माइलिंग होता है, कोई बहुत हमेशा निराश रहता है, फीचर होता है, उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, जो सबसे शांत बच्चा होगा उसी के पास आना, ठीक है ना, उस क्लास में, हाँ कोई भी, तो दैट बिकम्स योर आइडेंटिटी, राइट? इसको हम फीचर्स बोलते हैं, जो आपका स्पेशल गुण है, जो आपका खास है, जिससे हम आपको आइडेंटिफाई कर सके। अब मैनेजमेंट का फीचर क्या है, व्हाट इज सम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे मैनेजमेंट है या नहीं है, या अच्छा है या नहीं है? बिल्कुल सही, तो इसका सबसे पहला फीचर है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार चलने वाला प्रोसेस, लगातार क्यों चलता है तो मैं बताती हूँ। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए, कोई ना कोई प्लानिंग चाहिए, ठीक है ना। जब भी आप प्रॉब्लम आता है, आप उसको निपटने की कोशिश करते हैं, आप उसको सॉल्व करते हैं। मैनेजमेंट प्लानिंग देता है, ऑर्गेनाइजिंग देता है, स्टाफिंग देता है, इट गिव्स यू डिफरेंट थिंग्स जिससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आता, एक प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं कि दूसरा आ जाता है। बोर्ड खत्म नहीं हुआ कि प्लस टू का पेपर आ गया, प्लस टू का एग्जाम देना, प्लस टू खत्म नहीं हुआ कि अभी
ये ग्रेजुएशन का आ गया, और ग्रेजुएशन खत्म नहीं होगा कि कैरियर का ऑप्शन आ जाएगा या फिर मास्टर्स का प्रेशर आ जाएगा, राइट, जो भी आपको करना, और धीरे धीरे तो ज्यादा खतरनाक रास्ता, राइट, प्रॉब्लम कम होने की जगह प्रॉब्लम बढ़ने लगता है, राइट. अभी तो फिर भी हम प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना बच्चे, अभी तो ग्रेजुएशन कर रहे, सीधा बता देंगे. ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहे हैं क्या बताएंगे, मास्टर्स के बाद क्या कर रहे हैं क्या बताएंगे. तो धीरे धीरे हमारा प्रॉब्लम घटता नहीं है, बढ़ता है. एंड एवरी टाइम व्हेन यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, मैनेजमेंट विल कम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल अचीव नहीं हुआ कि दूसरा गोल तैयार है, अब दूसरे गोल के लिए फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, रिक्रूटिंग करना है. तो इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. या तो हमारे इंडिविजुअल लाइफ का प्रॉब्लम हो या फिर वो हमारे इंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम हो. समझ में आया? Yes, ma'am. That's why management is a continuous, लगातार चलने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे लाइफ में लगातार चलते रहता है. तो उसको सॉल्व करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग लगातार करने वाला काम है. That's why management is continuous. ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें परवेसिव. परवेसिव का मतलब which is present everywhere, which is everywhere present, या required. तो management required everywhere. आपको मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ, खेल के मैदान में भी management होता है. yes. जो तुम लोग खेलते होगे cricket, उसको पता होगा कि fielder को कहाँ allocate करना है, किसको कहाँ लगाना है. management का part है वो, right? You manage the field. आप field सजाते हो ताकि आप बांध सको, ठीक है ना, अपोनेंट को, दूसरे पार्टी को आप हरा सको, डिफीट कर सको. उसी तरीके से सड़क पे ट्रैफिक मैनेजमेंट, राइट. इंडिविजुअल लाइफ में वो हमेशा बोलता है डेली रूटीन को मैनेज करना. तो हमेशा बोलते हो ना मैनेजमेंट इज शेड्यूलिंग बेसिक. देखो मैं अभी बोली थी कि भाई वो बोलता है हमेशा, अभी भी बोलूंगी तो वही बोलेगा. बोल तो परवेसिव यानी इंडिविजुअल लाइफ से लेकर के फैमिली, सोसाइटी, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह मैनेजमेंट का एक्टिव रोल होता है. दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज परवेसिव. इट इज नॉट जस्ट इन इंस्टीट्यूशंस और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट की, राइट. इसीलिए मैनेजमेंट को, वो चैरिटेबल ट्रस्ट हो, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, वो हॉस्पिटल हो, वो होटल हो, वो कोई भी जगह हो, आपको मैनेजमेंट से ही काम करना पड़ता है. बिकॉज इट टेल्स यू इन एडवांस कि नेक्स्ट आपको क्या करना है, ठीक है. रिजल्ट ओरिएंटेड. रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं, अच्छा ठीक है, किसी को कुछ नहीं करना, ठीक है ना, आपके लाइफ में आपको कुछ नहीं करना है. अगर ऐसा हो जाए, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कुछ नहीं करना, किसी को कुछ ना कुछ तो करना है, ठीक है. अच्छा करना, बुरा करना, जो भी करना, किसी को मुंबई में बम विस्फोट करना है तो उसका वही गोल है, ठीक है ना, उसका वही एजेंडा, वो उसी को रूप देने के लिए पूरा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टार्टिंग, कंट्रोलिंग करता है, करता है कि नहीं करता है. तो ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अच्छा और गलत, सही और गलत, वो अलग चीज है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गोल. पागल आदमी के पास कोई मिशन नहीं होता, राइट, कोई गोल नहीं होता. नहीं नहीं नहीं, ये भी उनका कोई फिक्स एजेंडा नहीं होता, वो इस बार होता है, ठीक है ना, वो एट द मोमेंट होता है कि क्या उसके दिमाग में आ जाएगा और वो कर लेगा. तो नॉर्मली मैनेजमेंट जब भी हम करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, ठीक है ना. उसी डिजायर्ड गोल को, उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं, सारा एफर्ट, सारा एनर्जी, सारे रिसोर्सेज इसीलिए लगाते हैं ताकि हम अपने गोल को, डिजायर्ड पर्पस को अचीव कर सके, राइट. तो मैनेजमेंट म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके बीच में होने से हो पाता है. और मैनेजमेंट ऑलवेज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज को टुगेदर हम किस तरीके से रखें कि हम अपने गोल को अचीव कर सके, इसीलिए किया जाता है, राइट. तो मैनेजमेंट अगर कुछ नहीं करना तो यू डोंट नीड टू मैनेज योर डेली रूटीन इवेंट, ठीक है ना. ठीक है ना, कभी नहाएंगे, कभी खाएंगे, कभी तैयार होंगे, स्कूल तो जाना नहीं है, कॉलेज तो जाना नहीं है, पढ़ाई तो करना नहीं, खेलना तो है नहीं, कुछ नहीं करना, सो के भी दिन काटा जा सकता है, और कितना सोएंगे, राइट. तो कुछ भी करेंगे तो आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं. बट व्हेन यू हैव सम मिशन, व्हेन यू हैव सर्टेन गोल, व्हेन यू हैव सर्टेन टारगेट, आप करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है. आप कितना बार गिव अप करते हैं, कोई ऐसा
घर में इवेंट, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा जगह जहाँ आपका बहुत मन होता है जाने का, लेकिन सेम डे आपका कोई पेपर होता है, यू गिव अप द अदर ऑप्शन। बहुत सारा ऐसा होता है, मैं जानती हूँ, टेंथ और ट्वेल्थ करके आने वाले बच्चे के साथ बहुत सारा ऐसा ऑप्शन आता है जब उनको वो दूसरा ऑप्शन जो ज्यादा अच्छा था, यानी ज्यादा मजा आता है जिसमें, ऑब्वियसली पढ़ने में इतना मजा नहीं आता है, लेकिन आप चुनते हो क्योंकि आपका फर्दर जो गोल कुछ है वो लॉन्ग टर्म गोल है, ये शॉर्ट टर्म है, आएगा तो चला जाएगा, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म गोल आपको अचीव करना है, दैट्स व्हाई यू मैनेज योर टाइम दैट टाइम अकॉर्डिंगली, राइट? ठीक है, इंटीग्रेटिव फोर्सेस, ये लास्ट पॉइंट है आज का, उसके बाद मैं आज स्टॉप कर दूंगी। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब बस बताओ, सब ये लोग पढ़ के आया है लगता है, इंटीग्रेट का मतलब, उसमें अच्छी बात है अगर पढ़कर आया हो तो, लेकिन मुझे इंटीग्रेट का मतलब बताओ। कंबाइन करना, इंटीग्रेट का मतलब एक और होता है, इंटीग्रेशन का मतलब मिलाना, कंबाइन करना, उसने बोला एकता भी होता है, ठीक है ना, एक करना। तो इंटीग्रेटिव फोर्सेस की मैनेजमेंट ऐसा फोर्स है जहां पर हम ह्यूमन एफर्ट्स को, रिसोर्सेस को, एनर्जी को मिला करके क्या करते हैं, गोल को या फिर एम्बिशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इंटीग्रेट ह्यूमन रिसोर्सेज, इंटीग्रेट मतलब मिलाना या कंबाइन करना इन सच ए वे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज कि आप अपने गोल को या ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके। साथ ही इंटीग्रेशन का मतलब ये भी है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को और इंडिविजुअल गोल को इंटीग्रेट कर देते हो, यानी जब जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा उसमें काम करने वाले इंप्लॉय भी ग्रो करेंगे। समझ में आया? ये मैनेजमेंट होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है तो स्लोली एंड स्टेडली, लेकिन वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉय भी उसी हिसाब से ग्रो करेंगे, ताकि वहां पे डिससेटिस्फैक्शन ना हो, ताकि वहां पे फ्रस्ट्रेशंस और एट्रिशन ना बढ़े। ठीक है, इंटीग्रेटिव फोर्स समझ में आया? ठीक है, अब ये ज्यादा जोर से यस बोलेगा ताकि किसी तरह मैम कंक्लूड कर दे। यस, न्यू सिलेबस है, एक मिनट मैं फिर से शेयर बताओ क्या बुक से छोड़ दो, मैंने इस बुक को मैंने नहीं रेफर किया, ठीक है ना, व्हाट आई रेफर्ड इज योर सिलेबस। ठीक है, मैंने आपके